तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे शायद, ओहो सेम कल का टाइमिंग है, 10:25 हो रहा है। यहाँ पे देख लो, टाइसन दूध पी रहे हैं आराम से इसका। और यहाँ पे मैंने रखी है इडली, और यहाँ पे है चाय मेरी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। खोल के दिखाती हूँ, इडली भी दिखाऊंगी आपको, अभी आधी अधूरी बनी है, अभी पीसना भी बाकी है इसको, देख लो। तो इडली से मुझे आज हाई होप्स है कि बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि इस बार मैंने इडली में चेंजेस किए हैं। इडली का जब वो बनाते हैं चावल और उड़द की दाल जो रहती है, उसमें क्वांटिटी में कुछ चेंजेस किया है। तो आज देखेंगे कि कैसी बनती है इडली, मैं आपको बताऊंगी बाहर निकलने के बाद की कैसी दिखती है इडली, ठीक है। तो ये देखो, हमारी इडली बहुत स्पॉन्जी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने दबाया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। वो बाप रे, अरे बाप रे, बहुत स्पॉन्जी है। तो अभी इसको निकाल लेती हूँ, और एक और पड़ा है बैटर। तो ये देखो, चटनी कुछ ऐसी दिख रही है बनने के बाद। तो ये देखो, हमारी इडली आज की कुछ इस तरह से बन के रेडी हुई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई है। मैं भी शॉक हो रही हूँ कि इतनी सॉफ्ट और इतनी ईजीली। तो बस फिर नाश्ता कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सीधा शाम के 7 बजे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की, सीधा मॉर्निंग से। अभी चांद दिखा रही थी पूनम का, तो मैं निकली थी गेहूँ पिसवाने। यहाँ पे आज बहुत भीड़ थी, तो 1 घंटे मुझे वेट करना पड़ा, फिर मेरी बारी आ गई थी। तो फाइनली गेहूँ पिसवा के आ गई हूँ। बहुत टाइम लगा, 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा, तब जाके ये काम हुआ आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग लेट से आएगा क्योंकि थोड़ा मैं भी डाउन हो गई हूँ, मीन्स व्लॉग ज़्यादा नहीं चल रहा है। ना चाहते हुए भी मैं थोड़ा डाउन हो रही हूँ, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ, मैं मुझे कहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो इस वजह से कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि मैं बंद कर दूँ व्लॉगिंग करना, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं नहीं हार नहीं मानना चाहिए, सारी मिक्स फीलिंग आती रहती है। तो फिलहाल वापस मेरा मन हुआ है अभी कि मैं व्लॉग करूँ, इसीलिए कर रही हूँ। तो बस सुबह के शायद 10 बजे, तो यहाँ पे मैंने थेपला बनाया मेथी के, देखो कुछ इस तरह से नाश्ते के लिए बना के रख दिए। तो अभी चाय बनाना बाकी है। वेदर फिर से बारिश जैसा हो गया है यहाँ पे बेंगलोर में, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम क्या हुआ है। हाँ देखो, 10 बजने को आए, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी अंदाजे से, फिर भी देख लो वेदर बाहर ऐसा है सुबह सुबह 10 बजे। तो भी तो 2 से 3 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बेंगलोर में, तो बस इसीलिए वेदर थोड़ा अभी ठंडा हो गया, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही थी बस। और ये अपडेट है कि पानी नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको। कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, एक आधी चीज़। तो देखो यहाँ पे पानी बंद है, तो यहाँ पे मैंने स्टोर करके रखा हुआ पानी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे भी ये भरे हुए भिंगी, यहाँ पे ये भरा हुआ है, अंदर भी भरे हुए हैं कुछ इस तरह से। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, भर के रखना पड़ता है स्टोर करके, जो एकदम डायरेक्ट पानी आता है वो, और इसमें बहुत फ़र्क होता है, वो तो आप सब लोगों को मालूम ही है, वो कंफर्ट जोन अलग ही रहता है। तो बस ऐसा है कि इसमें मैनेज करना है। अभी परसों से हमको बोला गया है, तो मॉर्निंग छोड़ते हैं, रात को छोड़ते हैं, आफ्टरनून जो बीच का टाइम रहता है बिल्कुल बंद रहता है पानी, ताकि मैनेज हो पाए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये हम यहाँ पे बिल्डिंग में सालों से ऐसे ही करते आए हैं, ताकि जो आफ्टरनून में एक्स्ट्रा वाटर जो यूज़ होता है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे, अच्छी बात है ना। तो बस अभी आज का बोला है, आज मंडे है, आज डेट क्या है, डेट 23 है। तो बस आज शाम का, आज दोपहर को अगर पानी आ गया, कॉर्पोरेशन पानी आ गया, तो हमको 5 बजे पानी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस स्टोर करके रखा हुआ है इसीलिए अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और हाँ, मैं कहाँ बैठ रही हूँ, मुझे अभी टाइसन को वॉक कराने लेके जाना है अभी, तो बस अभी लेके निकल रही हूँ इसको। घर आई और पता चला है कि इसने 500 रुपये खा लिया है, देखना मैं इसको पूछती हूँ रिएक्ट करता है, देखना। हाँ टाइसन, 500 रुपया क्या है,
500 रुपया क्या बेटा है? 500 रुपया केम खाता थे? केम खाता 500 रुपया है? 500 रुपया कोई खाया है? एक मिनट तू बता तो, तू कह तो मने एक बार है। यहाँ थी 500 रुपया कौन खाता है? आ मंदिर में 500 रुपया कौन खाता? इधर पड़ा था 500 रुपये ये जगह पे, इसने खा लिया 500 और निकाल भी दिए 500। हाँ है 250? कौन किए तेने 500 खावानो? केम खबर पड़ी पैसा खावाना है? देखा कैसे हो रहा है? अभी देखो इसको मालूम भी पड़ रहा है, देखो ये इसकी एक्टिंग है। 500 खा गया, इसका मुंह देखो, इसका ये 500 खाने वाले बच्चे का मुंह देखो। और खा के हमको तो पता भी नहीं, देखा हमने 500 क्यों नहीं दिखे करके, तो इसने खा के भाई साहब ने पॉटी में निकाल भी दिए है और हम जाके चेक करके आए। ये बातें आपको बतानी पड़ रही है। इतना कुछ था मंदिर में, इतना कुछ था, उसको 500 रुपये दिखे खाने के लिए। हाँ है 500 खाई गया तू है? केम खाता थे पैसा है? केवी इतना पैसा खाता थे? हाँ तो हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं बनी हूँ काम वाली बाई। आज मैंने सोचा है पूरे प्रिकॉशन के साथ यहाँ का क्लीनिंग करने का। ये पर्दा तो मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे देख लो टेबल रख दिया है, आराम से मैं चीज़ें कर रही हूँ। पहले पर्दा निकाल लिया, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में कि पर्दा निकालना मेरे लिए बस की बात नहीं थी, तो यहाँ पे चढ़ के मेरे से इजीली हो गया। तो पहले वो धो के मैंने सुखा लिया है ताकि मैं ये क्लीन करूँ, ऊपर का क्लीन करूँ, तब तक वो भी सूख जाए तो इधर का काम मेरा फिनिश हो जाए, ताकि मैं ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बार बार ना कर सकूँ। तो ऐसा कुछ प्लानिंग से काम कर रही हूँ। अभी यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ें नीचे नहीं उतारने वाली हूँ, वहीं के वहीं कोई कोई चीज़ें होगी जो मैं नीचे क्लीन करने के लिए ले लूँगी, बाकी तो सारा कुछ इधर का उधर ही मैं शिफ्ट करूँगी, ऐसा कुछ प्लान किया है। देखते आगे आगे मैं थोड़ा बहुत आपको बता पाई तो बताऊँगी, ठीक है? तो ये देखो क्लीन तो हो गया ऊपर का माला, मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ, ये देख लो। यहाँ से जितना भी ऊपर चढ़ रही हूँ उतना मेरा हाइट, जितना पूरा हाइट है उसके ऊपर भी समझ लो मेरा 2 हाइट का इतना हाइट है। तो यहाँ पे मैंने वापस से साफ पानी लिया है ये, और एक बार तो मैंने क्लीन कर लिया पूरा डस्ट, वापस से एक बार पोछूंगी क्योंकि ऊपर से कर रही हूँ तो थोड़ा डस्ट बच जाता है ऐसे इधर इधर खिसका के। तो वापस से एक बार पोछ के इसके अंदर क्या क्या है चेक कर लूँगी, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है तो कपड़े भी चाहिए होंगे, थक गई हूँ मैं बोलते बोलते। तो बस अभी मैं वापस से एक बार क्लीन करके चेक करके एक 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 इस साइड रखती जाऊंगी तो पूरा क्लीन हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस आराम से कर रही हूँ, धीरे धीरे बहुत रिलैक्स से काम कर रही हूँ। तो यहाँ का तो पूरा हो गया है, ये जो बैग है वहाँ से देखो एक बार 1x1 ऐसे निकाल के वहाँ तक तो हो जाएगा यहाँ पे रखने का, यहाँ पे चढ़ के मुझे वहाँ का जो है वो वहीं पे रख के करना होगा। तो बस ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गई हूँ मैं, तो पूरा ऊपर का एक बार हो जाएगा, फिर ये फैन कर लूँगी। तो कुछ भी मैंने नीचे नहीं उतारा है, बस ये बैग फेंकना है, बहुत सालों से बहुत सी चीज़ें जो फेंकनी है वो बस मैंने निकाली है, देख देख के ऊपर से निकाल रही हूँ, बस ऐसे ही है। बाकी तो कुछ ज़्यादा फेंकने का नहीं है, क्योंकि मैं हर साल कुछ ना कुछ सफाई करती थी तब फेंकती ही रहती थी, जो नहीं चाहिए चीज़ें तो मोस्टली ज़्यादा है नहीं फेंकने जैसी। कपड़े भी मैंने बहुत निकाले हुए पुराने, जो साड़ियाँ वाड़ियाँ थी तो जो मुझे चाहिए वही साड़ियाँ पड़ी है, बहुत एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पड़ा है। तो बस अभी ये फिनिश कर लेती हूँ। तो फाइनली सारा काम ऊपर का हो गया है, मैंने आज प्लान नहीं किया था कि मैं करूँगी, फिर भी आज हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, सच में बहुत खुश हो रही हूँ देख के। तो ऊपर का मैंने सारा काम कर लिया है, फैन ट्यूबलाइट फ्रेम सब। तो फिर मैं आ गई थी डीमार्ट, मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी जो मैं लास्ट लिस्ट में लिखना भूल गई थी, टाइसन की बॉल और एक दो और चीज़ें थी। घर पे कोई भी बाहर से चीज़ आए तो पहले ये चेक कर लेता है, मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब तक इसने पूरा चेक कर लिया है यहाँ पे। तो मैं ये दिखाने के लिए बता रही हूँ आपको कि आपको पता है मैंने वीडियोस में बताया था कि मैंने 2 कप लिए, बहुत खुशी खुशी लिए थे कप, ये देख लो
आपको पता ही नहीं था ना कि टूटा हुआ होगा। मैं बहुत, एक तो मुश्किल से मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, तो मैंने 2 कप लाए थे, मैं इसी में चाय पी रही थी और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आए थे। इतना जल्दी टूट गया है ना, 4-5 दिन चले मुझे ऐसा लगता है, या 1 वीक चले बस, और ऐसे टूट गया। अभी मैं ये जो बाजू में पड़ा है इससे इसको ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा है और महंगा भी आया था। आपने अमाउंट देख लिया होगा शायद, तो इतना महंगा है तो मेरा तो ऑफकोर्स जीव नहीं चलेगा, इसलिए एक बार इसको ट्राई करूँगी कि इससे कर लूँ ठीक, अगर हुआ तो बताऊँगी। पर मुझे सच्ची बोलूँ, एक सिर्फ कप टूटने से मुझे ज़्यादा फील हो गया। मुझे ऐसी कितनी चीज़ें हो जाती है बड़ी बड़ी, तब भी फील नहीं होता, पर कोई जो चीज़ एकदम मेरे दिल के करीब हो, चीज़ को कुछ हो जाए तो पता नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अभी भी मेरा जीव इतना जल रहा है देख देख के, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस इसको ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन होता है कि नहीं। इसमें आई है ये 2 वाली ट्यूब, इसमें मैंने डाल के मिक्स कर ली है। ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ कोई भी स्पून से या कोई भी कटोरी में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड फॉर्म हो जाता है, फिर निकलता नहीं है। तो बस अभी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, और शायद मे भी ये हार्डनर, मुझे पता नहीं, रेजिन और हार्डनर तो मुझे पता है जो 24 आवर्स लेते हैं ड्राई होने में, ये कितना टाइम लेगा मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल भी अजीब आ रही है। नॉर्मल रेजिन मैंने देखा हुआ है, उसकी कोई स्मेल नहीं रहती, तो देखते हैं अभी क्या होता है इसके साथ, देखते हैं। तो इस पे मैंने अप्लाई तो कर लिया है, शायद आपको थोड़ी बहुत शाइन दिख जाए, ऐसे तो दिखेगा नहीं। तो बस पतली पतली लेयर अप्लाई कर दी है, अब इसको इसके अंदर ज्वाइन कर ले रही हूँ। कोई कैसे पकड़ूँ मैं मोबाइल को और आपको कैसे दिखाऊँ वो सोच रही हूँ। फिर मैं इसको ऐसा का ऐसा रखूँगी, बहुत टाइम तक रखना है। मे बी मैं इसे कल ही फिर चेक करूँगी, अभी बिल्कुल भी चेक नहीं करूँगी। तो इसको बस मैं साइड में रख रही हूँ, पता नहीं ठीक होने के बाद इसमें चाय या पानी ठहरेगा कि नहीं, वो बस देखना है मेरे को। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।